गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर एक नए वीडियो में। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत में एज़ यूज़ुअल हमने एयर फ्रेशनर पानी बना लिया है। साथ ही मैं आज बनाने जा रही हूँ अरहुल का फूल और पत्ते का एक हेयर मास्क, इसको इंग्लिश में हिबिस्कस प्लांट बोलते हैं फ्लावर। तो इसको अच्छे से धो लेंगे क्योंकि ये मुझे चित्रा ने ला के दिया है और चित्रा का घर रोड साइड पर है, तो इस पर काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई है। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी पहले सारे पत्ते को, उसके बाद मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके एलोवेरा जल मिला के एज अ हेयर मास्क यूज़ करूँगी। मुझे चित्रा ने बताया कि ये लगाने से हेयर फॉल थोड़ा कम होता है क्योंकि वो घर पे झाड़ू लगाती है, तो बोलती है दीदी आपके बहुत बाल मिलते हैं मुझे फ्लोर पे। मैंने बोला ठीक है, ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है। तो मैंने वो हिबिस्कस का हेयर मास्क लगा लिया है, 10-15 मिनट हो गया है। और अभी मैं जाऊँगी लौकी और क्या बोलते हैं बीट, हाँ लौकी और बीट का जूस बनाने। आज धूप बहुत अच्छा खिला है तो ये जूस का इतना सा पल्प निकला है और बाकी ये जूस है। अब इसमें नींबू और काला नमक मिला के बस हम लोग पी लेंगे। लौकी और बीट का जूस बन गया है, मैंने इसमें डाल दिया है नींबू और काला नमक। और ये पूरा फिल्टर नहीं, पूरा नहीं छाना है मैंने, इसमें हल्का पल्प है। तो पी लेते हैं यम्मी एंड हेल्दी जूस। तो अब थोड़ा सा जूस वूस बनने के बाद अब बाबू का नाश्ता, आरू का नाश्ता वगैरह बनाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं किचन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूंगी क्योंकि सुबह जूस के चक्कर में बहुत फैल गया है इधर उधर। सुबह का फ्रेश पानी वगैरह अभी पानी फिल किया है मैंने, तो अब थोड़ा सा बर्तन है सिर्फ, उसको धोने के बाद फिर मैं आरू के ब्रेकफास्ट में लगती हूँ। ब्रेकफास्ट में आज बनाने जा रहा है ये आटा साना है, मैंने पूरी का आटा नहीं है, ये रोटी के लिए आटा है। और मैं बनाऊँगी इसका रोटी अभी और आरू सी के लिए एक अंडे का ऑमलेट और रोटी घिला के खिलाऊँगी उसे। लंच बॉक्स में इसकी मैं छोटी छोटी पूरियां सेक दूंगी और फिर मैं इसको स्कूल लंच बॉक्स में दे दूंगी। तो आज उसी की रोटी भी ऑलमोस्ट तैयार है और मैंने उसके लंच बॉक्स के लिए छोटी छोटी पूरियां काट ली है इस ग्लास के हेल्प से और इधर तेल गरम करने भी रख दिया है। तो ऑमलेट भी बन गया आरू का, ये रोटी भी तैयार है, अब उसके स्कूल का बना लेते हैं पूरी। और आज मैं इस गैस को अंदर रख दूंगी, मुझे लगा आज फिर कहीं नहीं कट जाए। तो आरुषि का ब्रेकफास्ट हो गया और अभी वो बैठी है होमवर्क करने के लिए। हाँ बेटा, काउंट एंड सर्कल, दिस वन, दिस पेज, काउंट, यू हैव टू काउंट द बर्ड्स एंड सर्कल दैट नंबर, देन काउंट इट। Okay, I have said this. Okay. Yes. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. It was 6. Yes. Then you, what you have to circle? This. Okay, circle it. This is 6. How was this? Yes. Very good. Do it like this. Now it's 6. तो आरुषि ने कर लिया है अपना होमवर्क। आरुषि, आर यू डन? यस। एंड व्हाट डू यू हैव ईटन इन ब्रेकफास्ट टुडे? मॉम, व्हाट्स द नॉइस अगेन? सम कार इज गोइंग फ्रॉम द रोड। व्हाट यू हैव ईटन इन योर ब्रेकफास्ट, टेल मी। एनिमल इज गॉन। यस, एनिमल इज गॉन। व्हाट यू हैव ईटन इन योर ब्रेकफास्ट, टेल मी। एग एंड रोटी एंड Nothing. Juice? Yes. Yes, roti, egg and juice. Yes. Helping kids is go to school. Yes, healthy juice go to ready to school. Yes. And after eating breakfast, what you become strong? Mom. Show your strong body, Aru. Show your strong body. Yay! Aru ko school chhod ke aa chuke hain aur maine shampoo vagera bhi kar liya hai. तो अभी वही जो सुबह बनाया था पालक, उसी का रोटी बनाया और कल की जो ढोसका के साथ आलू की सब्जी थी वो सब्जी बनाया। तो हम लोग अभी कर लेंगे लंच क्योंकि सुबह सिर्फ वो वेजीज का जूस पिया था तो भूख लग रही है दोनों को, तो हम लोग चले लंच करते हैं। तो आज पूरे 3 दिन के बाद अच्छा वाला धूप खिला है और हमारा लंच भी हो चुका है। तो आज मैंने सुबह धोया था जूता, ये जब हम लोग हेडसी टेम्पल गए थे तो जूते का बैंड बच गया था और ये रेगुलर बाहर जाने के लिए है। तो बस
अभी हम लोगों ने लंच करने का बाहर, आज बहुत अच्छा धूप खिला, आज मैंने शैम्पू भी किया है तो अपने बाल भी सुखा रही हूँ बैठ के धूप में। तो अभी मैं राइस बना रही हूँ पतीले में, तो ये बासमती लॉन्ग राइस है, ये मैं लूज ही लेके आती हूँ, इंडिया गेट का नहीं है ये, लूज मुझे पड़ता है 67 रुपीज पर किलो का। इधर मेरा उबल रहा है और मैं इधर बनाने जा रही हूँ आज कस्टर्ड, तो कस्टर्ड खाने का मन हुआ है गौरव को और उसी में भी खाती है, और मुझे कस्टर्ड पसंद नहीं है तो मैंने कस्टर्ड मिला दिया है और अब मैं इसको धीरे धीरे 2-3 मिनट तक चलाऊंगी। ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, बस उसको ठंडा होने रख देंगे। बेसिकली ये डिनर के लिए मैंने बनाया है ताकि अभी से सेट हो जाए पूरा अच्छा सा फ्रिज में, गौरव को पूरा चिल्ड और पूरा जमा हुआ टाइप का पसंद है। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं आरू को पिक करने के लिए और वहाँ से आने के मतलब रास्ते में आरू को पिक करके हम लोग निकलेंगे किसी एक काम से, तो वीडियो में बने रहिए और हम लोग देखते हैं क्या खरीदते हैं। आरू के लिए कुछ खरीदने जाना है आज, तो हिबिस्कस का फूल लगाने के बाद हेयर फॉल तो एक दिन में नहीं पता चलेगा, बट हेयर थोड़े से सॉफ्ट और सटल लग रहा है, मतलब जो मेरे बाल जो यहाँ पे ऐसे 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 उठे हुए रहते थे वो थोड़ा सा उसमें आराम लग रहे हैं और अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा स्मूथ। मैंने कोई भी कंडीशनर नहीं लगाया, शैम्पू नहीं किया है, कोई भी सीरम नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो लगा के ठंडे पानी से धो लिया है, तो मुझे तो अच्छा लगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी फॉर 1 मंथ एटलीस्ट, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए चलते हैं। yes. तो आरुषि को पिक कर लिया है स्कूल से और वो अपना बकबक चालू है। आरु हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग आउट। तो अभी बेसिकली आरु के लिए जाना है स्पोर्ट्स शू लेने के लिए, तो देखते हैं कैसा मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन वन डे में आ नहीं रहा है और इसका जो स्पोर्ट्स शू है वो छोटा हो चुका है, तो इसके लिए एक स्पोर्ट्स शू लेते हैं क्योंकि इसका स्पोर्ट्स डे इवेंट है 17th को, तो खरीद लेते हैं एक। तभी कुछ देर के बाद आने वाला रास्ते पे फल इधर मिलता है थोड़ा सस्ते में, थोड़ा सस्ते में क्या, हाफ दाम से भी कम में मिलता है, 1/3 में मिल जाता है, तो देखते हैं आज कौन सा फल है। मैं तो यहाँ से अनार एप्पल लेके गई हूँ, बट मुझे वेट है कि अगर ऑरेंज मिल जाए तो अच्छा रहेगा इस सीजन में, देखते हैं। यह फल देखते हैं, एप्पल है, ऑरेंज है और गुआवा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कैसे दिए भैया? 50 का? 2 पार्टी। अच्छा ठीक है, और ये कैसे दिए? 100 का 1.5 किलो। तो सस्ता क्या हुआ? और एप्पल 100 का 1.5। आज अनार नहीं है? अनार अनार चाहिए था मुझे आज, ठीक है। आरू तो फ्रेश फ्रेश ऑरेंज एंजॉय करने लगी है बहुत, पूरे गाड़ी में अच्छा सा महक आ गया। यस, तो ये वाला डब्बा स्ट्रॉबेरी का मिला है 50 रुपए में 2, तो मैंने 2 डब्बा लिया है स्ट्रॉबेरी का ये, और 50 रुपए किलो मुझे मिला है संतरा, तो हमारे मेगा पॉलिस में मिलता है 120 रुपए किलो, तो ये टोटल मैंने 200 रुपए का लिया। बेसिकली 3.5 किलो ऑरेंज दिया है मुझे। हाँ, स्ट्रॉबेरी काफी सस्ता मिला है, ये हमारे 80 रुपए किलो मिलता है पैकेट मेगा पॉलिस सर्कल पे। तो ये है आज का, हम लोग का जो 30 रुपए पार्किंग में लगेगा उसकी वसूली हो गई, तो पार्किंग की पर्ची कट गई है 30 रुपए की, यहाँ पे 30 रुपए में आप सारा दिन रख सकते हो, आवरली नहीं है। वीक डेज में भी पार्किंग पूरा फुल है, बहुत हालत खराब है आज, पता नहीं रास्ते में भी आज काफी जाम था। अरे बहुत हालत खराब है रे, उस साइड चलते हैं, लेकिन जाने देंगे तब नहीं लोग तो। फुल है पार्किंग। अभी पता चला कि आज वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे को यहाँ पे क्या स्टार बाजार है ना, स्टार बाजार में ऑफर रहता है ग्रोसरी पे, फ्रोजन आइटम पे, हम लोग भी घुसेंगे तो थोड़ा देखेंगे नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज, ये सब फ्रेंच फ्राइज खत्म भी हो गया घर पे। चलिए पार्किंग की प्लेस मिल गई है, फटाफट से ऊपर चलते हैं, फटाफट से सारा काम खत्म करके मिलते हैं।
यहाँ पे ऐसे भी तुमको म्यूजिक ही देना पड़ेगा। तो हम लोग अभी चल रहे हैं रिलायंस ट्रेंड फुटवेयर में, और पास में बाटा भी है तो बाटा भी जाएंगे। और ये है मैक्स, सामने है लाइफस्टाइल, है ना आरू? और ये ऑरेंज खाते हुए, हाँ हम लोग मॉल से कपड़ा खरीदते ही नहीं, हम लोग का तो ऑनलाइन ही होता मैक्सिमम 99% ऑनलाइन। इसको याद आएगा कुछ, अभी देखो ना। और ये उधर बाटा है, पहले बाटा ही चलते ना। हाँ इधर ऑप्शंस ज़्यादा रहता है। इलेवन और ट्वेल्व दोनों दिखा सकते हैं आप। एक्चुअली इलेवन में सॉक्स डालने से फिर टाइट होता है, तो ट्वेल्व कंफर्ट रहता है थोड़ा सॉक्स डाल के, तो फिर डाल के देखना पड़ेगा। 11.5 मिला लेकिन सॉक्स के साथ फिर टाइट हो, देखना पड़ेगा डाल के, इसलिए तो लेके आए इसको। देखो ये वाला मिला ग्रे, चलो चला रो, लेट्स सी लेट्स वेयर इट। कहाँ पे बैठने का? वहाँ 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 आरू, दिस वे नहीं बेटा, दिस वे, दैट वे इज अ गर्ल, दिस वे इज अ मैन साइड, यू आर अ गर्ल ना, चलो इधर बैठो आरू, कम यार बेटा, चलो पहना। हेल्प करूँ क्या? इसको चप्पल जूता ट्राई करवाना। थोड़ा सा लूज फिट चाहिए क्योंकि सॉक्स डालना है ना। जंप जंप आरू, जंप हायर हायर, सुंदर हो रहा है, मोर जंप मोर जंप। चलो आज ये पूरा बॉक्स लेके घूम रही है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी DIY में आरू का साइकिल पंप देखने के लिए। बैग रख दो बेटा, यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। मिला क्या गौरव? काम करना था ना अपना, पूछ लो ना एक बार। साइकिल पंप तो इसी एरिया में रहता है तो पूछना पड़ेगा। पंप का प्लेस हम देखते हैं कौन सा लेना है, ये वाला तो है, छोटा सा एक तो लेना है हम लोग को आरो के साइकिल के लिए। ऑलरेडी यू हैव टेकन वन शूज, नो टॉय, टॉय इज बेस्ट, लेट्स बाय सॉक्स ना। नो, इट्स बाय ऑल दिस एवरीथिंग टॉय। 297. To buy everything toy. Anything toy, let's go find. Wow. Show. Good. Now have socks. Have socks? Okay. Yes. Can you try some other glasses? This is not looking so good. I want another glasses. You try some another thing? वो 297 तो दोनों में से जो ज्यादा मजबूत है वही ले लो।
Everything is dark? Yes. Let's find some another one. This is not looking good. Some pink one. Pink one for girl? Yes, pink one is for girl. Okay. Now I find. I found it. Where? Here. No, this pink one is not looking good. Why? Some good one. Maybe this one, purple one? Yes. Try it. Like this in the heart. Yes, try, try. Yes, it's a heart. Try it. It's real pink. Wow. Show me, show me. Here is white. Come, scan it. Okay. Go scan. काउंटर पे पता चलेगा. चूज द गर्ल सॉक्स फॉर यू. दिस वन इज नॉट फॉर यू. चूज बेबी गर्ल सॉक्स. Yeah, this one is good one. You match with shoes. No. But this one is for mommy, not for baby. Let's find the baby one. Is this for you? Yes. Okay, try another one. Is this good? No, I will not take socks, beta. Actually, it's puppy food. Let's go. Mom is finding another puppy food. आरु, स्टे विथ मामा ना. तो हम लोग अभी ये पंप लेके काम हो रहा है करो. तो पंपिंग चल रहा है साथ में ये ट्राइसेप्स एक्सरसाइज. ये है आज हम लोग का सस्ते का फल शॉपिंग. 50 रुपए में 2 स्ट्रॉबेरी का डब्बा. गलती हो गया, 100 में 5 बोलती तो वो दे भी देता. नेक्स्ट टाइम देखते हैं. तो आरू साइकिल में पंप करा तो आरू सी लाइव पेंटिंग बना रही थी. आरू से दिखाओ क्या बनाया पेंटिंग में. ये साइकिल. ओ माय गॉड. 2 टायर्स 1 सीट. वेरी गुड. हो गया ना टाइट. चलो अच्छा, इसको शू स्टैंड में घुसा के रख दो लंबा करके. हो गया सस्ते में. गो 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 सिट देयर. हाँ, व्हाट क्या चाहिए. यू वांट टू ट्राई योर शूज. शो योर शूज. विच शू इज फाइनलाइज्ड. वाओ, न्यू शूज एंड न्यू सॉक्स फॉर आरू. पूरा मैचिंग हो गया सॉक्स. अच्छा वो बाटा में सॉक्स नहीं लिए, DIY में ले लिए. 45 रुपीज़ में हो गया इसका सॉक्स. हाँ, गर्ल वाला हुआ प्लस जो रेंज हम लोग को ऑनलाइन में जा रहा था उसी रेंज में होगा. 20% डिस्काउंट भी मिल गया हम लोग को. इधर मैं कस्टर्ड की तैयारी करने लगी. कुछ फ्रूट्स कट गया है, कुछ फ्रूट्स कटना बाकी और ये सारा उसका छिलका और ये धनिया का पत्ता मैं आज मार्केट से लेके आई. 5 रुपये का पैकेट है. पिछली बार तो सरा हुआ आ गया था और ये चूल्हा अभी भी अंदर नहीं हुआ क्योंकि दोपहर में थी नहीं. तो ये गृह प्रवेश का दूध गिर गया था तो पंडित ने बोला तभी नहीं साफ होना. तो इसमें मैं सोचूं इसको साफ करके चढ़ाऊंगी ये बर्तन. और मैंने वॉशिंग मशीन धोने पे लगाया था कपड़ा तो बस 9 मिनट बाकी है, ये भी हो जाएगा. तब तक मैं इधर तैयारी कर लूंगी. और ऑलमोस्ट सनसेट होने को ए, आ गया मेरा बच्चा. विच ग्लासेस. ब्लू ग्लासेस. फॉर होम. ब्लू ग्लास तो नहीं है. आई हैव एन ऑरेंज कप फॉर यू ना. दिस वन इज फॉर यू. ओ ब्लू ग्लासेस. सन ग्लासेस. ओके. इन ड्रॉर. डैड इज रूम. ड्रॉर. इन डैड इज रूम. गो. एक्चुअली स्वीट कॉर्न को गर्म किया था बट आरू ने देखा है तो उसे भी चाहिए. लो. यस. गो ईट. ओ गो टू डैड इज रूम. You want to sit here and eat? Yes. Sit here. Eat. तो शाम हो चुका है. शाम का पूजा वगैरह हो गया है तो अभी लग गया है थोड़ा भूख.
इसमें टमाटर खीरा और प्याज है, और इसमें डाल देंगे स्वीट कॉर्न। मैंने बॉईल करके इसको पानी निकलने के लिए रख दिया था। तो मैंने कस्टर्ड का बेस बना के रखा, तो उसमें सारा फ्रूट्स डाल दिया है। तो ये स्वीट डिश बना है, भगवत गीता आया है हमारे घर पे आज, और 200 सब्सक्राइबर भी पूरा हुआ है। अभी मेरे मुंह से निकलने जा रहा था 2 लाख सब्सक्राइबर, तो मुंह में घी शक्कर, जल्दी से हो जाए ये सब कुछ। तो अभी हम इसको टेस्ट कराते हैं, जो हमारे चैनल का एडिटिंग करता है मोस्ट ऑफ द वीडियो, तो वो ये डिजर्व करता है। कैसा बना है? ठीक है, मीठा नहीं हुआ ना ज़्यादा? चलिए ठीक है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू सभी को। टैफरेस के लिए पानी तैयार हो गया है, ये कॉर्न सैलेड भी तैयार हो गया था, बस अब इसको बना लेंगे। सब कुछ नहीं करना रहता है, बस 1 स्पून लेना रहता है और गरम आपको जिस टेम्परेचर का पीना होता है। तो मैं लगभग बॉइलिंग वाटर लेती हूँ। तो चलिए इंजॉय करते हैं शाम का एफ्रेश और सैलेड। मैं डिनर में बना लूँगी जीरा डाल के जीरा राइस, और पहले की सब्जी है थोड़ी थोड़ी, बटर चिकन है, और माइक्रोवेव में आलू की सब्जी भी गर्म हो गई है, तो इसको आज ख़त्म कर देंगे रात को। और मैं जो यहाँ पे काम कर रही हूँ ये सारा, तो मेरी बेटी और गौरव क्या कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे तो गाना चल रहा है, तो इसमें कुछ और म्यूज़िक लगाना पड़ेगा, बट उनकी मस्ती पूरी चालू है, मैं दिखाती हूँ। अपना भूंज रहे हैं, और मेरा सारा सब्जी वगैरह भी गर्म हो गया है। तो आरुषि के लिए वही उसको रोटी खाना है घी वाला पालक का, तो मैंने दोपहर में बना कर रख दिया था, और ये उनको ये चिकन पसंद है क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा टेक्सचर में रहता है, तो उसको भी ये खिला देंगे, उसका भी डिनर हो जाएगा और हमारा भी सुबह का दिन का मिला के हो जाएगा। मुझे और अभी रोटी बनाने का मन नहीं किया। तो ये चावल तैयार हो गया, साथ में सिर्फ खीरा काटा और सलाद के लिए कुछ भी नहीं काटा, ये रहा उसी का थाली, बस अब हम लोग खा लेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, अभी हम लोग डिनर करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी छोटी सी आउटिंग थी आज। तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में फिर एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर द सपोर्ट।